ये तो पुलिस प्रशासन देर में जगी है, इसके लिए पुलिस प्रशासन को प्रतिदिन जगना पड़ेगा। और आज जो पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई किया है उसके लिए हम उनको बधाई देते हैं, लेकिन ये कार्रवाई प्रतिदिन होनी चाहिए, क्योंकि कैंट रेलवे स्टेशन के सामने कोई भी पारिवारिक व्यक्ति अपनी बहन को, अपनी माँ को, अपनी पत्नी को लेकर नहीं आ सकता था, और ये काफ़ी दिन की समस्याएँ थी। और आज जो पुलिस जागृत हुई है इसके लिए पुलिस बहुत बधाई के पात्र, लेकिन प्रतिदिन करने की आवश्यकता है। हम सरकार से, पुलिस से ये मांग करते हैं, यहाँ की समस्या जल्द से उखाड़ के फेंकने की आवश्यकता है। यहाँ पुलिस बूथ, नाइट मार्केट का जो नीचे बना वहाँ पुलिस बूथ बनाने की आवश्यकता है, या मंदिर के पास पुलिस बूथ बनावें, जिससे ये वेश्यावृत्ति जो बाहर से लोग आकर कर रही हैं ये सब खत्म हो, क्योंकि काशी नगरी में रेलवे का एक बहुत महत्व है, और बनारस का रेलवे स्टेशन, काशी कैंट स्टेशन का अपना एक महत्व है। ये यहाँ देश दुनिया के लोग आते हैं, यहाँ से अच्छी संदेश जाना चाहिए, वेश्यावृत्ति का संदेश नहीं जाना चाहिए। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताजा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।